नमस्कार। कक्षा 10वीं कृषि विज्ञान आनुवंशिकी। हमने पिछले वीडियो के अंदर आनुवंशिकी के बारे में पढ़ा। उसके अंदर बताया था कि मेंडल ने नियम दिए जिसे मेंडलवाद के नाम से जाना, और फिर वो नियम एक प्रकार से छुपे हुए रहे, तो फिर उन्होंने दूसरे वैज्ञानिकों ने वापस खोज की और उन्होंने बताया। अब हमें उन्हीं नियमों को समझने के लिए, वंशागति के जो नियम हैं उन्हें समझने के लिए कुछ तकनीकी शब्द हैं, उनको समझना अत्यंत आवश्यक है। उसी शब्द के सबसे पहले है आनुवंशिक शब्दावली, यानी कुछ आनुवंशिक, जब जैसे ही हम वो संख्या के जो प्रयोग है प्रैक्टिकल टाइप्स करेंगे तो उनमें जो शब्द वर्ड आएंगे उनका पहले मीन समझते हैं वो होते क्या है। सबसे पहले है कि आनुवंशिक शब्दावली में जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जैसे हमारे शरीर में जो भी लक्षण होते हैं उनको, एक लक्षण को जो नियंत्रित करने वाला होता है उसे जीन कहते हैं। मेंडल द्वारा उपयोग में लिए गए कारक शब्द को जॉनसन ने जीन नाम दिया, और मेंडल ने उस शब्द को जीन नाम कारक नाम दिया था, और फिर जॉनसन नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने उसका नाम है जीन दिया। फिर है युग्म विकल्पी, युग्म यानी जोड़ा, विकल्प यानी दो, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विप्रयासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन को टी युग्म विकल्पी तथा लंबापन व टी बोनापन है। यानी कोई भी पादप है या उसका जो भी लक्षण है उसको प्रकट करने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं उसे युग्म विकल्पी कहते हैं, और लंबेपन के लिए कैपिटल टी, तो उसी का छोट लेंगे बोनेपन का स्मॉल टी, और यही एक प्रकार का युग्म विकल्पी कहलाता है। अब है समयुग्मजी, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। यदि किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो युग्म विकल्पी समान हो, एक जैसे हो, तो उसे समयुग्मजी कहेंगे। जैसे टी कैपिटल टी टी या स्मॉल टी टी, कैपिटल टी टी है वो लंबेपन को प्रकट करेगा और स्मॉल टी है वो बोनेपन को प्रकट करेगा। फिर है विषमयुग्मजी, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, यानी वो दोनों के दोनों युग्म विकल्पी क्या है, असमान, यानी एक तो लंबेपन का दे रखा है और एक बोनेपन का, तो उसे हम कहेंगे विषमयुग्मजी, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके बाद वाला है कि लक्षण पर रूप, फिनोटाइप। लक्षण यानी हमें कोई चीज़ को बाहर से देखने पर वो कैसी दिखाई देती है, उसी टाइप से हमें एक लक्षण पर रूप बताना है। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण पर रूप कहते हैं। किसी भी सजीव प्राणी है उसके बाह्य प्रतीति, हमें बाहर से दिखने वाली चीज़ों को क्या लेंगे, लक्षण पर रूप या फिनोटाइप। जैसे लंबे पौधे समयुग्मजी है टी टी, और विषमयुग्मजी टी स्मॉल टी हो सकते हैं, यानी जो लंबे पौधे हैं उसके लिए कैपिटल टी दोनों यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल टी और एक कैपिटल टी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें बाहर से देखेंगे तो पौधे दोनों के दोनों हमें लंबे दिखाई देंगे। इसके बाद है जीन पर रूप, जीनोटाइप। किसी सजीव की आनुवंशिकी की रचना को जीन पर रूप कहते हैं। किसी भी सजीव है उसके आंतरिक जो संरचनाएँ होती है उसके आधार पर हम उसमें देखते हैं तो उसे आनुवंशिकी की रचना को जीनोटाइप या जीन पर रूप कहते हैं। जैसे शुद्ध या समयुग्मजी लंबा व अशुद्ध या विषमयुग्मजी लंबा, कहने का तात्पर्य ये है कि जो समयुग्मजी लंबा है कैपिटल टी का, वो भी पादप लंबा है, और विषमयुग्मजी लंबा है वो भी पादप लंबा है, लेकिन उसे अंदर से देखेंगे तो समयुग्मजी के लिए दोनों कैपिटल टी आएंगे और विषमयुग्मजी के लिए एक कैपिटल और एक स्मॉल टी आएगा। अब प्रभावी लक्षण, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है। प्रभावी लक्षण यानी जो अपने आप को प्रभावित करता है वही प्रभावी लक्षण है। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का पौधा जो हमें प्राप्त होगा वो लंबा प्राप्त होगा, तो इसके अंदर दोनों टी है, एक कैपिटल और एक स्मॉल है। जो कैपिटल टी है वो लंबेपन को उजागर करता है और स्मॉल टी है वो बोनेपन को उजागर करता है, तो उसके अंदर जो दोनों ही प्रेजेंट है, एक कैपिटल और एक स्मॉल है, लेकिन वो पौधा हमें प्राप्त होगा वो लंबा प्राप्त होगा। उसका कारण ये है क्योंकि वो जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण है, तो हम उसी को कहेंगे वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है वही प्रभावी लक्षण कहलाता है। सेकेंड है अप्रभावी लक्षण, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जो स्मॉल टी था वो बोनेपन को वहाँ नहीं प्रकट कर पा रहा था, तो वो लक्षण हमें क्या कहलाएगा, अप्रभावी लक्षण। फिर है एक संकर संकरण,
क्या होता है देखिए, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। यानी कोई ऐसा प्रयोग जिसके अंदर हम एक ही लक्षण को लेकर उसके ऊपर प्रयोगात्मक कार्य करें। जैसे किसी पौधे का हमने लंबापन और बोनेपन का लिया और उसके ऊपर हमने जो प्रयोग किया वो एक संकर संकरण कहलाता है। इसी प्रकार द्विसंकर है कि वह संकरण जिसमें दो लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, यानी लंबेपन के साथ साथ हमने उसके जो पुष्प है उसके रंगों का भी हमने अध्ययन किया है, तो उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। अगला है त्रिसंकर संकरण, यानी वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने पौधे की लंबाई, बीज का आकार और बीज का रंग ले लिया है, तो वो उसको जो साथ में ही संकरण करेंगे उसे त्रिसंकर संकरण बोलेंगे। फिर अब बहुसंकर संकरण, वह संकरण जिसमें बहुत सारे लक्षणों को वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। इसके लिए जो संकरण करेंगे उसमें तीन चार ऐसे नाम आते हैं, वो जो पीढ़ियाँ होती है वो है, सबसे पहले है जनक पीढ़ी। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। जो हम सबसे पहले जिस पीढ़ी को लेंगे या जिन गुणों को लेते हैं, जैसे हमने लंबेपन को और बोनेपन का जो दो लिए हैं उनको क्या कहेंगे, एक प्रकार की जनक पीढ़ी। उसके बाद है एफ1 पीढ़ी, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। जो जनक पीढ़ी है उसका संकरण करवाएंगे तो उससे हमें एक पीढ़ी प्राप्त होती है और उसी पीढ़ी को हम F1 पीढ़ी कहते हैं। सेकेंड है F2 पीढ़ी, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति पीढ़ी को F2 या संतति पीढ़ी कहते हैं। अब F1 है उसके संकरण करवाने के बाद में जो पीढ़ी हमें प्राप्त होती है उसे F2 पीढ़ी या फिर उसे संतति पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। फिर है एक संकर अनुपात, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं। अभी हमने पहले पढ़ा था एक संकर संकरण, उसमें एक ही लक्षण को हमने लिया था, अब उसके अंदर जो हमारे पास अनुपात आएगा, आंकड़े आएंगे, उसी को एक संकर अनुपात कहते हैं। फिर है द्विसंकर अनुपात, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। इसमें दो लक्षणों के अनुपात को लिखेंगे उसे द्विसंकर संकरण अनुपात कहते हैं। अब है परीक्षण संकरण, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण पर रूप वाले जनक के साथ किया जाता है, परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे प्रभावी लक्षण T है और अप्रभावी लक्षण t है, इसी को हम जनक पीढ़ी के नाम से जानते हैं। जब इन दोनों का आपस में संकरण करवाया तो एक लक्षण इसका और एक लक्षण इसका आया, यानी T और t, और उसी को हमने F1 पीढ़ी नाम दिया। तो इस संकरण में कहते हैं कि F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण यानी t के साथ करवाया जाता है, तो उसे परीक्षण संकरण या फिर टेस्ट क्रॉस कहते हैं। सेकेंड है संकर पूर्वज या पश्च संकरण, इसमें है कि वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है तो उसे संकर पूर्व संकरण या बेक्रॉस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास F1 पीढ़ी है उसका संकरण या तो हम प्रभावी लक्षण के साथ कराएं या अप्रभावी के साथ कराएं, तो इसे पश्च संकरण या फिर बेक्रॉस के नाम से जानते हैं। अगला है युत्क्रम संकरण, वह संकरण जिसमें ए पादप यानी T को नर व बी पादप t को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तथा दूसरे संकरण में ए पादप टी को मादा व बी पादप को t को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो उसे युत्क्रम संकरण कहते हैं। इसमें जैसे कि ये प्रभावी लक्षण है, इसको एक बार के लिए नर मानते हैं और इसको मादा, तो एक प्रकार तो इस प्रकार संकरण करेंगे और दूसरे संकरण में क्या करेंगे, जो T है उसको मादा मानेंगे तथा जो T है उसको नर मानते हैं।